हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं CGACF एंड फॉरेस्ट रेंजर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है उसका क्लास 7 है। आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपका कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो कृषि विज्ञान में ही जीव विज्ञान के कुछ पोर्शन दिए गए हैं, उन्हीं पोर्शन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं क्योंकि वहां आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्लास है और क्वेश्चन नंबर 121 से आपका स्टार्ट होगा। 120 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कम्प्लीट कर लिया था, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो कोशिश यही रहेगा कि 5 से 6 मिनट में कम्प्लीट कर ले हम लोग जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, अभूतपोषी बीजों में पोषण किसमें भरा रहता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्र में। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, किस प्रकार के अंकुरण में हाइपोकोटाइल की तेज वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EPGL। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, जरायुज अंकुरण किस में होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोफोरा। देखिए राइजोफोरा ऑप्शन में ना रहे और सदाबहार पौधे रहे तो सदाबहार पौधे आपका आंसर होगा, क्योंकि राइजोफोरा जो है सदाबहार पौधे हैं और जरायुज अंकुरण जो है सदाबहार पौधे में होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, फल भित्ति और बीजावरण अलग नहीं होते, अतः मक्का का दाना है? तो मक्का का दाना क्या है? फल है। आगे देखते हैं हम लोग 125 नंबर का क्वेश्चन, मक्का के कटे दाने को आयोडीन घोल से रंगने पर भूर पोस्ट का रंग होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला और काला। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, एक बीज पत्री जड़ में जाइलम बंडल कितनी संख्याएं होती है? तो जाइलम बंडल की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, 5 से 10 संख्या होती है। और जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट को तनों और पत्तियों तक पहुंचाना। तो पौधों के पत्तियों तक जो है पानी को पहुंचाता है जाइलम। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, मूल छत प्रायः किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोद्विभद में। 128 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बोगेनविलिया है? तो बोगेनविलिया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, कंटक अरोही। आगे 129 नंबर का क्वेश्चन, लाइकेन व मास के पौधे क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इपीफाइट्स। तो इपीफाइट्स है लाइकेन व मास के पौधे। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, नागफनी व कैक्टस किस प्रकार के तने हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस। सरस तने हैं नागफनी और कैक्टस के। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोडर्मा एसिटाई। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल ताप है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए 35 डिग्री सेल्सियस जो है अनुकूल ताप है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, कोशिका भित्ति में कितने प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, एक बीज पत्री के गुणसूत्र द्विबीज पत्री की अपेक्षा होते हैं? तो बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका, बड़े होते हैं एक बीज के पत्री के जो गुणसूत्र होते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, फलीदार पौधों में किस प्रकार के अक्षय होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथिकी। तो ग्रंथिकी अक्षय होते हैं फलीदार पौधे में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 137, एब्सिशन लेयर बनने का परिणाम है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूल आना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 138, समाद्विभद है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। तो समाद्विभद क्या है? तो गेहूं है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर है क्वेश्चन नंबर 139, गेहूं की पत्ती में रंध्र होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, पत्ती के दोनों सतह पर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 140, RNA किसका संश्लेषण करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का। तो RNA क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं जो आपके कृषि विज्ञान से संबंधित थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे इस पर, और भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पिछला जो वीडियो बन चुका है उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपका 140 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।